मौजूद आए हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, अल्लाह आपको सेहत व सलामत रखे। वेलकम बैक अगेन चैनल। जो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, शुक्रिया। तो जी गाइस, दोस्त ने मुझे कल कॉल की थी, उसने बोला था कहीं पे जाना है, तो फिर अभी उसने दोबारा कॉल की, जल्दी से आ जा, वो जो मेरा वेट कर रहा है पुतखा में। तो करता हूँ आज का प्यारा सा व्लॉग यहीं पे स्टार्ट, लेट्स गो। अभी मुझे जो कि ये कपड़े चेंज करने हैं, पहले कपड़े हम चेंज करेंगे फिर उसके बाद निकलेंगे, लेट्स गो। तो गाइस निकल गया मैं घर से, मैं इस वक्त पहुंच गया हूँ बॉडी पॉइंट के नज़दीक। सुबह सुबह का मौसम बहुत ही अच्छा है, यहाँ से खूबसूरती नजर आएगी, थोड़ी सी आप देख सकते हो। गाइस फाइनली मैं जो कि पुतखा के हाईवे पे हूँ, आप देख सकते हो मेरे साथ एक और लड़का है, वो अभी पीछे, मैं उसका वेट कर रहा हूँ यहीं पे, और गर्मी भी बहुत है। गाइस अभी भी मैं पुतखा में हूँ, बराबर आधा घंटा हो गया, मैं उसका अभी भी वेट कर रहा हूँ, अभी तक वो नहीं आया। बोल रहा है मैं इधर हूँ, मैं उधर हूँ, झूठ बोल रहा है, पता नहीं कब आएगा, बहुत ही गर्मी है यहाँ पे। वो आ गया जिसका मैं वेट कर रहा था रेस, तो अब हम चलेंगे अपनी मंजिल की तरफ, अब व्लॉग में बने रहिए। फाइनली गाइस हमने जो कि बाइक को पेट्रोल डाल दिया, अब हम चलेंगे, उनको जाना रफियाबाद, तो अब व्लॉग में बने रहिए। आप देख सकते हो यहाँ की खूबसूरती, मगर मुझे इस गांव का नाम नहीं पता, सॉरी फॉर दैट गाइज। आप देख सकते हो खूबसूरती। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो। तो गाइस हम अभी चल रहे हैं, हमको जो कि रास्ता वो पता नहीं कहाँ से था, तो फिर हमने लोगों को बताया रास्ता, देखो भाई यहाँ से कितना जो कि रोड खराब है। अभी भी हम चल रहे हैं टेंगोस की तरफ। तो फाइनली हम पहुंच गए डेंगू, जो आप देख सकते हो यहाँ का मार्केट, मैं आपको अभी बैक कैमरा से दिखाने की कोशिश करूँगा, बहुत ही धूप है, देख सकते हो यहाँ का मार्केट, सुनो स्टैंड है यहाँ का। तो रेस ने ड्यू लाई। तो गाइस अभी भी हम चल रहे हैं, गाइस फाइनली हम उस जगह पहुँच गए जहाँ हमको जाना था, आप देख सकते इसको जो कि टेंगुस कहा जाता है। यहाँ की खूबसूरत देखिए आप, अल्लाह का आप कुदरत देखिए, कितने कितने खूबसूरत आपको ये नज़र आएंगे पैर। तो गाइस हम यहाँ से निकल गए घर की तरफ, ये जो कि रोड सोपुरा जाता है यहाँ से, यहाँ की खूबसूरती आप देख सकते हो। फाइनली हम जो कि पुतखा वापस पहुँच गए, हम इस अंकल जी के पास कुछ अभी खाएंगे, जिसको बोलते हैं मटकोया, यहाँ पर जो कि अंकल जी भेज रहा है मटकोया, 1-1.40 रुपये में यहाँ पर आना चाहिए आपको, इसको बोर्ड टेस्ट होता है, ये सोपुरा में रहता है, और जो कि पुतखा का हाईवे है उसी के थोड़ा नज़दीक, जो कि लेफ्ट साइड से जाता है बारामूला, तो यहाँ पर आप ज़रूर आना चाहिए। अब हम इसको टेस्ट करेंगे ये कैसा होता है। बहुत लजीज होता है ये,